नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक बड़ी खबर, दरअसल आपके संगठन के द्वारा एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी जानकारी साझा की गई है आपके बीच में। दरअसल यहाँ पर पूर्ण रूप से ये सब कुछ आपके बीच में रख दिया गया है कि पास्ट में क्या क्या हुआ और क्या कुछ कारण था जिसके कारण से समायोजन आपका रद्द हुआ, और लेकिन अब वर्तमान की आशाएं क्या है, क्या सरकार में कोई भी रणनीति, क्या सरकार में किसी भी प्रकार से आप सभी के समायोजन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं या फिर नहीं, सब कुछ क्लियर होगा वीडियो में। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों, अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। अवधेश मणि मिश्रा यानी कि गोंडा की ये प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष हैं, जहां पर इनके द्वारा एक समाचार, एक सूचना आपके बीच में रखी गई। गोंडा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले आज जनपद के शिक्षा मित्र काली पट्टी बांधकर अपने अपने विद्यालय में सांकेतिक हड़ताल पर रहे। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट परिषद जिला पंचायत टीन सेड में पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में संबोधित ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी गोंडा के प्रतिनिधि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अशोक कुमार गुप्ता को सौंपा गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि 1,46,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद का समायोजन 25 जुलाई 2017 को माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। समायोजन निरस्त होने के उपरांत प्रदेश के लगभग 8,000 शिक्षा मित्र इस सदमे को सहन न कर पाए और इस कारण से दिवंगत हो गए और उनके बच्चे अनाथ हो गए। सरकार की तरफ से इनके परिवार को किसी भी प्रकार का कोई राहत नहीं दिया गया, इसलिए शिक्षा मित्र हर वर्ष 25 जुलाई को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आज जनपद के शिक्षा मित्र अपने अपने विद्यालयों में काली पट्टी बांधकर सांकेतिक हड़ताल पर रहे। तत्पश्चात जिला पंचायत टीन सेड कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी गोंडा के माध्यम से सौंपा और मांग किया कि नियमावली में संशोधन करके शिक्षा मित्रों का समायोजन बहाल, सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की जाती, तब तक महंगाई को देखते हुए वेतन के समकक्ष मानदेय यानी कि 12 महीने का मानदेय दिया जाए, दिवंगत शिक्षा मित्रों के परिवार के आश्रितों का लाभ देते हुए एक सदस्य को नौकरी दिया जाए, महिला शिक्षा मित्र को उनके पति के निवास स्थान पर व जो पुरुष शिक्षा मित्र मूल विद्यालय में अद्यतन नहीं आ सकते हैं उनका प्रत्यावेदन लेकर मूल विद्यालय व महिला शिक्षा मित्र के पति के निवास स्थान के परिषदीय विद्यालय में स्थानांतरित किया जाए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अवधेश मणि मिश्रा, महामंत्री शिवमूर्ति पांडे, मंडल अध्यक्ष रामलाल साहू, जिला मंत्री अभिमन्यु प्रसाद मिश्र, कृष्ण कुमार पांडे आदि यहाँ पर उपस्थित रहे, जिसकी तस्वीरें भी इन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा की है। फिलहाल के लिए वर्तमान की खबर थी, जहां पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर थी। ये जो मांगे हैं ये मुख्य इस कारण से हैं क्योंकि इन्हीं मांगों पर ये कहा गया, ये दावे किए गए कि अगर ये मांगे हमारी पूर्ण नहीं हुई तो फिर 5 सितंबर को लखनऊ में प्रदर्शन के लिए सभी शिक्षा मित्र उतरेंगे और ये प्रदर्शन होगा। ये किसी भी प्रकार का सम्मेलन नहीं बल्कि प्रदर्शन है, जहां पर सभी साथियों से ये आह्वान किया गया है या आपके संगठन के द्वारा। फिलहाल के लिए इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।